अपना टिकट दिखाओ, फोड़ देते हम सकल साले। अरे गाड़ी लेडीज के लिए नहीं है, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। भैया झोला किसका हो? लोकल पानी बेच रहे हैं, वो भी 20 रुपए में महाराज। सोजा सोजा सोजा, बाथरूम नहीं दीजिए इनको, हमारा मर देख के बोलते हैं। सही है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आज हम जर्नी करेंगे। आ गई अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, नई दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट। यहाँ के प्लेटफॉर्म पे भीड़ देख लीजिए और देख लीजिए सबसे आगे की ओर एसी कोच है। ये जो भीड़ है ये जनरल कोच की ही है, और भीड़ देख लीजिए लग रहा है पटना जाने वाली कोई दूसरी ट्रेन है ही नहीं, जबकि ठीक उस ओर लगी हुई है पूर्वा एक्सप्रेस। अरे भाई गाड़ी रुकने दे यार, देख लीजिए ट्रेन रुकी भी नहीं है और लोग पहले से शुरू हो गए हैं। ये रहा अपना जनरल कोच। अरे भाई अरे पिसा जाएगा। बाप रे बाप, देखिए प्लेटफॉर्म में पूरा भागदड़ मच रहा है गाड़ी में चढ़ने के लिए, जनरल कोच में चढ़ने के लिए। अरे भाई ट्रेन पहले रुकने दे यार, अरे भाई हमें भी जाना है भाई। चलिए। कुछ ऐसी भीड़ रहती है अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की। ये जो गाड़ी बिहार जाए और आपको ये ब्लू वाला ड्राम नजर ना आए तो समझ लीजिए वो गाड़ी बिहार में जा रही है। ये ब्लू वाला ड्राम भैया कंपलसरी है। अरे आप बात करें, खिड़की खोल गए, खोल रहे। अरे भाई खिड़की, गाड़ी का शीशा फोड़िए का हो। लोग गाड़ी में जाने के इतने मजबूर है कि आपातकालीन खिड़की सहारा लेना पड़ रहा है। अरे भैया बाहर से ठेलिए, बाहर से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ए दीदी ठेलिए ना बाहर से, ठेलिए बाहर से, चलिए अंदर, चलिए घुसिए अंदर, मेरा सबको जाना है। अरे भैया गेटवे खोल दीजिए महाराज, देखिए अंदर खाली है, एक आदमी हो जाएगा एडजस्ट। अरे खोल दीजिए, हो जाएगा ऐसे। अरे महाराज मानवता के नाम पर खोल दीजिए ना, हो फिर क्या कहा लगा लिया, खोलिए इसको। झोला लेकर दुका बाल्टी लेकर खड़ा है प्लेटफॉर्म पे। अरे आदमी चला गया भैया, खोलिए महाराज गेट, हो भैया महाराज खिड़की खोलते। अरे खोल दीजिए खिड़की, हो कैसो दिक्कत सिक्कत है जाए। अरे खोल दिए ना खिड़की, फिर खोल दीजिए, फोड़ देते हम सकल साले। अरे खोल दिए ना भैया, इतना आदमी जा रहा है, एक आदमी नहीं जा पाएगा, खोलिए ना। अरे भैया पूरा पैक है, गेटवे पूरा जाम हो चुका है। अरे देखिए बीच पूरा खाली है, खाली गेटवे के पास जाम है, अंदर लगभग खाली ही है, मतलब एक आदमी आराम से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग गेट जाम कर रखा है और आपातकालीन खिड़की जो वो भी नहीं खोल रहा है। देख लीजिए इस गाड़ी में इतनी गर्दी है कि मतलब एक दीदी बेहोश हो गई। ये गाड़ी लेडीज के लिए नहीं है, खासकर जनरल कोच। ऐसा है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का अंदर का सीन, जनरल कोच के अंदर का सीन देख लीजिए, ट्रेन भैया पूरा फुल हो चुका है। इसी तरह देख लीजिए आपातकालीन खिड़की का सहारा लिया जा रहा है। बाकी ये बीमल का झोला भी दोस्तों कंपलसरी है। अरे भैया, अरे महाराज आइए, देख लीजिए कितना मुशक्कत करना पड़ता है ट्रेन के अंदर आने के लिए। आइए महाराज आइए, स्पाइडरमैन आइए, हो देसी स्पाइडरमैन आइए, जल्दी आवा भैया, आवा ना महाराज। आइए, अरे आइए पकड़िए महाराज, अपने देसी स्पाइडरमैन भी आ चुके हैं। देखिए पुरुष तो पुरुष, महिला भी मतलब भीड़ भाड़ का शिकार हो रहे हैं। अरे भैया ये झोला किसका है महाराज? अरे किसका ही आप आई झोला है? अरे भैया झोला किसका हो, मतलब किसका झोला है? राख के उधर भैया महाराज, लोगों का चढ़ने का ठिकाना नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्लास्टिक के बाल्टी ड्राम सब आ गया, काला बाल्टी व्हाइट बाल्टी और वो ब्लू वाला ड्राम से नीचे। पूर्वा एक्सप्रेस पूरा पैक है, ऐसा नहीं, पूर्वा एक्सप्रेस ये गाड़ी भी पूरा पैक है। अभी फिलहाल दिल्ली से बिहार जाने वाली हर गाड़ी आपको पैक मिलेगी।
बाय बाय देश की राजधानी दिल्ली। हो देख लीजिए वॉशरूम जाने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी भीड़ भाड़ में अगर सफर करना है ना तो खाना भी कम खाना होगा और पानी भी कम पीना होगा। बोतल फेंकिएगा मत, काम आएगा। ये नई दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का जनरल कोच का कंडीशन देख सकते हैं। पूरा मतलब गर्दी मचा हुआ है, थोड़ा सा पाँव रखने का भी जगह नहीं है ना। हो तिलक धारी भाई को देखिए, इस भाई का मेरारू इनको बुलाया गया है, मजबूरी में जा रहे हैं, ये बाप बनने वाले हैं। चाची आराम से, किसी का मुंह पे लात मत रख दीजिएगा। महाराज बोलो। हमें तो लगा कि कोई भी केटरिंग स्टाफ इस जनरल कोच में नहीं आ पाएगा, लेकिन आप तो आ गए महाराज। और देखिए इस आम जनता की राजधानी में लोकल पानी बेचा जा रहा है, नैन्सी एक्वा। हाँ महाराज, रेल नीर चाहिए, रेल नीर नहीं देंगे, रेल नीर लाइए। लोकल पानी बेच रहे हैं, वो भी 20 रुपए में महाराज। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भाड़ में पानी बेच रहे हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप रेल नीर बेचिए, आप लोकल पानी कहाँ बेच रहे हैं? और भैया महाराज कौन गलत बोल रहे हैं? कानपुर में रेल नीर पानी मिलेगा, आप बैठिए आराम से बर्दाश्त कीजिए। मैं कानपुर में कहेगा गाड़ी चल रहा है, आपको जाना है तो 20 चले जाइए। नहीं नहीं गाड़ी चल, समझे, आपको जाना जा सकते हो। नहीं नहीं हमको जाना नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि गाड़ी चल कानपुर में मिलेगा रेल नीर पानी कहे तो पेंट्री में रेल नीर भी तो होगा ना। पेंट्री यहाँ नहीं है, 10 बोगी आगे भैया। पेंट आप तो पेंट्री से आ रहे हैं ना, तो 10 बोगी आगे, तो रेल नीर कहे ले लिया आने में टाइम लगेगा, 11 बज जाएगा। नहीं नहीं तो आप रेल नीर कहे नहीं ले लिए वहीं से। यहाँ 1 2 3 4 5 पेटी लोकल पानी रखा हुआ है, इन्हीं लोगों का है यहाँ। तो अपने फैमिली के मेंबर बहुत से, क्या नाम हुआ आपका, नाम क्या हुआ? तब से सुत्तल से महाराज। अरे हम अरे आम जनता की राजधानी में बिक रहा है लोकल पानी। रेलवे तो बड़ा बड़ा बातें बोलते हैं कि केवल रेल नीर लीजिए रेलवे में, और यहाँ बिक रहा है कौन कंपनी हो ने? लोकल पानी बेचने में ना मार्जिन बहुत ज्यादा है, और अपने फायदे के चक्कर में ये लोग पैसेंजर के हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं। पर्सनल है, पर्सनल है ए महाराज, पर्सनल पानी बेचते हो? पानी मिल रहा है इतना भीड़ में, वो पूछे कि तो लोगवा रहेगा तब ना पानी पिएगा, कौन सा एहसान कर रहे हैं? पैसेंजर क्या चल रहा है कि हाँ हमको पानी मिलेगा तभी हम जाएंगे? हाँ ऐसा मत पीजिए ना, आपको बेचने नहीं देंगे लोकल पानी हम। नहीं बेचेंगे है कि आप लोकल पानी बेच रहे हैं ना, आप रेल नीर भी बेचिए। हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है, आप चढ़ा लेते हैं, आप एक पेटी कंपनी को बेचेंगे ना तो पेट नहीं भरेगा। ठीक है आप एक सुनिए ना अच्छा अभी सुनिए भैया सुनिए ना, आप एक पेटी रेल नीर भी लेके आइए, ठीक है ना? जो रेल नीर मांगे पेटी नहीं, दो पेटी हाँ, तो जो रेल नीर मांगेगा ना उसको आप रेल नीर दीजिए ना। ना मेरा अपने हम खुद महाराज हैं, हम अपने महाराज हैं, लोग प्यार स्वामी को महाराज बोलते हैं। पेटला है, पेटला हाँ, नहीं मेरा सिक्स पैक है। पूरा गर्दी मचा हुआ है, लेकिन फिर भी केटरिंग स्टाफ को सैल्यूट है जो इस गाड़ी में खाना खाने पीने का सामान सर्व कर रहे हैं। गाड़ी में इतनी भीड़ है कि जो माँ बहन समान महिलाएं हैं उनको वॉशरूम जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग तो यहीं गेट के पास ही बैठे हुए हैं बाथरूम के पास। थोड़ा सा आप लोग हट जाया कीजिए अगर कोई महिलाएं जाए कि आप तो हंसते हैं खाली महाराज, तो गलत बात बोल रहे हैं, कान में लगा लिए हैं, पूरा बात कर रहे हैं, ये भी मतलब एक के बार सब लाइन लगा दिया। कोई नहीं उतरेगा कानपुर और कोई नहीं उतरेगा DDU, सब पटना उतरेगा। पिता कितना कष्ट करता है, एक पिता ही समझ सकता है बच्चों की मजबूरी। अब बड़ा होकर ही भूल जाएगा, बड़ा होकर ये भूल जाएगा कैसे अब हमारे जो पिताजी थे वो रात भर अपना पैर वहां रखकर पैरों पर सुलाए हुए थे मुझे। गलत बोल रहे हैं है कि नहीं? हाँ इनको आराम देने के लिए देखिए आप कष्ट कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जो बच्चे बोलते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, वो बच्चे भूल जाते हैं कि जनरल कोच में ऐसी भीड़ भाड़ में एक पिताजी अपनी बच्ची को आसूम से बच्ची भी इस भीड़ भाड़ में फंस गई है। सो जा। वेलकम टू कानपुर सेंट्रल, हो महाराज स्वागत है आपका महाराज। समोसा मिल जाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी उस ओर देख लीजिए, गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। भैया भी परेशान है, इनको जाना है DDU, DDU से फिर रांची ना।
अब कहा हुआ हो बाबा, अरे बाथरूम जाने दीजिए इनको महाराज, बूढ़ बुजुर्ग है, कम से कम इनके लिए रास्ता खाली कर दीजिए। अच्छा, अरे कम से कम भाई खाली खड़ा हो जाओ भाई, वहाँ से खड़ा हो जाओ, कम से कम जाने दो। हालांकि बाबा तो अपने स्पाइडर मैन है, वो बात की बात है, बाबा अपने बाहुबली है। तू मैं चालू हो गया यार, के तू क्या कर रहा है, की हो रहा है, के तोरा कह जा तू 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 के कह जा के छ गए तू 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 मैं कर रहा कैच हमरा कहो तो क्या बोल ले ठेले जा रहा है कमरिया से कहले जा रहा है। श्रमजीवी को पीछे छोड़ चुकी है हमारी ये संपूर्ण क्रांति। ए मौसी की समाचार? ठीक ठीक, तू बता ठीक है? अरे हम तो बिंदास है मौसी, बस खुश रहो, आपका आशीर्वाद है बस। बिल्कुल बिल्कुल, जाते सुंदर बहू आ जाए। अरे जल्दी आ जाए महाराज, वाला खोज दीजिए। आप भौजी अच्छा लगती है, किसी को साड़ी मत बनिए, भौजी बहुत ठीक लगती है हमसे, इसीलिए उसको उम्र देख के बोलते हैं ना। सही है, अपना टिकट दिखाओ, हमारा पीछे भी वो आंक रहा था भैया। 35 साल से नौकरी है, अनुभव है, 750 रुपया। अरे हमको टिकट दे, यहाँ तो दिखाओ ना पहले। संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट में मतलब टीटी है, ये प्रूफ है, टीटी है। अरे इनके पास आई कार्ड तो है ना, आई कार्ड दिखाइए। तुमको सुनो, 750 रुपया बनाइए, अच्छा से बनाइए। 300 किराया, 250 मिनिमम फाइन, 500 ले रहा भैया। नहीं नहीं, हाँ ये सही। पहुँच गया भैया, पहुँच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, बिहार की राजधानी, जय हो महाराज, पटना जंक्शन। वेलकम टू पटना जंक्शन, आ गया पटना जंक्शन, फाइनल डेस्टिनेशन हो महाराज। अरे